ए जुमे लड़कियों ने क्या सजना सवार ना, इतना देरी होता है। 12-1 बजे से सज रही है, अभी तक हुआ नहीं है, तो अभी तक निकला नहीं है। तो यार एक और नए ब्लॉग में आप सभी को स्वागत करते हैं। हम लोग जाने वाले हैं कोलकाता, और यहाँ पे अभी ये लोगों का अभी हुआ नहीं है। बहुत सजने समझने के बाद अभी थोड़ा बहुत निकले हैं, ठीक है। बाबू अभी तक तो निकल चुका है, पसीना देख पा रहा कितना है, और उसका मम्मी अभी तक नहीं निकला है। गाड़ी भी रेडी है उधर, स्कूल का रही है, क्या बोलता है, बारू कुसुम जो कहा जाता है, साल में एक बार ही मिलता है ये वाला फल। तो यार घर से स्टेशन पहुंच चुके हैं, चकुलिया स्टेशन, जो कि यहीं से ट्रेन पकड़ के हम लोगों को जाना है कोलकाता। और आगे आप लोग देख पा रहे हैं, यह हनुमान मंदिर, वो पहले भी हुआ करता था और अभी भी है, जब पुराना स्टेशन था। अभी तो इसको पूरा डेवलप कर दिया है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, यह अभी कितना चकाचक हो चुका है, और दीवार में झारखंड की संस्कृति भी देखा जा सकता है। तो यार ऑलमोस्ट चकुलिया हम पहुँच चुके हैं, और उन दोनों को अभी पहले भेज दिया है, और मैं जो है गाड़ी के लिए, मतलब गाड़ी में कुछ खाने के लिए ले लिया हूँ, जैसे कि ये देख पा रहे हैं। अभी सीधे से होते हुए हम जा रहे हैं प्लेटफॉर्म, और हम लोगों का चकुलिया का जो प्लेटफॉर्म भी है, स्टेशन है, इस तरह से ये रहा सीढ़ी, ठीक है। इधर से होके प्लेटफॉर्म में एंट्री किया जाता है, पहले ये नहीं हुआ करता था, अभी कर दिया है, पहले छोटा। तो यार फुटब्रिज से चकुलिया का जो काउंटर है, इस तरह से देखने को मिलता है, जो कि अच्छा लगता है, बहुत ही नया नया है ना, छत तक भी देखने को मिलता है। तो ऑलमोस्ट हम लोगों का जो इस्पात एक्सप्रेस है, उसका अनाउंस हो चुका है, 2-3 घंटा लेट है। और वैसे में इस्पात एक्सप्रेस जो है हम लोगों का हमेशा लेट रहता है, और उसमें हम लोग जनरल में जाने वाले हैं, तो बहुत धक्का मुक्की खाना होगा शायद, देखते हैं आगे क्या क्या होता है, और आप लोगों को भी देखने को मिलेगा। तो फुल ब्लॉग में रहिए। तो यार फाइनली 4:52 पे हम लोगों को ट्रेन मिला, जो कि 2:36 में इसका टाइम था। तो आप लोग सोच सकते होंगे कि ये साला कितना लेट है। और हम लोगों के चकुलिया से हवा जाने के लिए हमेशा ट्रेन लेट रहता ही रहता है। अंदर में आप लोग देख पा रहे हैं, बाबू का जो नोटिपन है, ये यहाँ इधर जाने को खोजता है, उधर जाने को खोजता है, और उसका मम्मी उसको पकड़ के बैठी हुई है, जो कि बहुत ही शरारत कर रहा था इस तरह से, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये कभी इधर कभी उधर कभी जानला का तरफ। तो हम लोगों को जगह नहीं मिला, लेकिन हम लोग जो रिजर्वेशन में जा रहे हैं, ठीक है, रिजर्वेशन में हम लोगों को ठीक ठाक जगह मिला। हम लोग जब ट्रेन में उठा तो सीट भी खाली था, कोई दिक्कत नहीं था, तो यहाँ तक जनरल में सही है, रिजर्वेशन से अच्छा है। रिजर्वेशन में भी वहीं वाला सिस्टम होता है कि हम लोगों को विंडो साइड में मिलता या नहीं मिलता, लेकिन जनरल में कभी कभी ऐसा होता है कि विंडो साइड में वो सब मिल ही जाता है। तो ये वाला सिस्टम है, लेकिन जनरल में पैसा बहुत कम लगता है, और रिजर्वेशन में बहुत ही ज़्यादा लगता है, और ऑनलाइन करके उसको मंगाना पड़ता है। अंदर का नज़ारा आप लोग देख पा रहे हैं, जनरल बोगी है लेकिन पूरा फाँका है। तो यार जनरल में जाने का ठीक ठाक है, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस तक अगर हम लोग जाते हैं तो जनरल में मेरे हिसाब से सही नहीं है, वो रिजर्वेशन ही अच्छा रहेगा, ये वाला सिस्टम है। आप लोग देख पा रहे हैं, ये वाला गाड़ी हम लोगों का हावड़ा पर रुका है, और बाबू भी थोड़ा बहुत धीरे धीरे चल रहा है, तो हम लोगों का जर्नी थोड़ा बहुत अच्छा ही रहा आज का, और आई होप आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा।